यहाँ झूठ को भी बड़े लिहाज के साथ, नज़ाकत के साथ और तमीज़ से बोला जाता है। लेकिन क्या करें, हमें तो बीमारी है सच बोलने की, शायद इसलिए हमें बदतमीज कहा जाता है। मुझे झूठे लोगों का साथ छोड़ने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि झूठे लोग एक पल भी बर्दाश्त नहीं होते। तो शायद यही वजह है मेरे अकेले रहने की। कहते हैं ना कि मतलब तो इंसान के चेहरे पर साफ नज़र आता है। जो मतलबी इंसान होगा ना, उसके चेहरे पे साफ नज़र आएगा कि वो कितना सेल्फिश है। लेकिन हम तो बस सभी पर भरोसा करने की गलती कर बैठते हैं, इसलिए हर बार धोखा खा जाते हैं। क्योंकि जो जैसा होता है ना, उसको वैसा ही नज़र आता है, शायद इसलिए। क्योंकि जो लोग झूठ से ही सांस लेते हैं, तो वो लोग ज़ुबान से क्या सच बोलेंगे। जिसकी सोच ही गलत हो तो वो अच्छाई को क्या तोलेंगे। क्योंकि यहाँ हर किसी का राज बहुत गहरा है, ऊपर सच तो अंदर झूठ का चेहरा है। हर इंसान झूठ मूठ का मुखौटा लगाए घूम रहा है। हम झूठ पर रिश्ते बना तो सकते हैं, पर उन रिश्तों को कभी चला नहीं सकते, क्योंकि वो रिश्ते झूठ की बुनियाद से बने हैं। इसलिए एक झूठ बोलने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। कब तक, आखिर कब तक, पूरी उम्र झूठ बोलना है? सच बोल के देखिए। झूठ बोलने वाला इंसान कभी ना कभी बहुत बुरी तरह से फंसता है। तब वो सोचता है कि काश पहली बार में ही सच बोल देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है और सच को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से घड़ी बंद होने पर कभी समय नहीं रुकता, उसी तरह झूठ बोलने से कभी सच नहीं छिपेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग झूठ बोलना छोड़ दें। और अब कितना झूठ बोलोगे आप लोग? देखिए, हमारे बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो लगता है ना बुरा, क्योंकि वो हमसे ही सीखते हैं। क्योंकि हम झूठ बोलते हैं पल पल में, इसलिए हमारे बच्चे सीख गए। और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो वो हम दूसरे को क्यों दें? आपसे कोई झूठ बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगी, और आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, और वो भी जरा जरा सी बातों पे। आप लोगों को पता है झूठ बोलने वाले व्यक्ति से लोग कितना डरते हैं, उसकी बातों पर तो विश्वास ही नहीं करते। कब झूठ बोल देगा, कब धोखा दे देगा, ऐसे फेमस हो जाते हैं। आप ही के पीठ पीछे लोग आप ही की ऐसे बुराई करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो आपके मुंह पे झूठ बोलते हैं। छोड़ दीजिए झूठ बोलना, और मेरी राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और राधे राधे हर सांस पे बोलिए, फिर देखिए कभी झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। राधा रानी आपकी ज़िंदगी संवार देगी
और आप एक अच्छे सच्चे इंसान बन जाओगे।